दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम टोटल दो शेयर्स को कवर करने वाले हैं, टाटा पावर को और साथ ही साथ इंफोसिस के बारे में। जहां इंफोसिस ने आज के दिन एक काफी शानदार पार्टनरशिप करी है, वहीं टाटा पावर के अंदर आज के दिन जो हमें 5% की तेजी देखने को मिले, इसके बावजूद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टाटा पावर को लेकर एक नोटिस भेजा है। नोटिस किस केस में आया है, सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो के अगले 5 मिनट में बताने वाला हूं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहली चीज, पावर सेक्टर कंपनियां आज के दिन काफी ज्यादा फोकस में थी, उसी में टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर आज के दिन हमें पावर सेक्टर कंपनियों में टॉप लीडिंग परफॉर्मेंस में देखने को मिल रही है। फर्स्ट सेशन से ही आज के दिन हमें काफ़ी शानदार फ्रेश बाइंग भी टाटा पावर के अंदर आते हुए देखने को मिल रही थी। और सबसे मेन बात यह है, कल ही के दिन मैंने टाटा पावर को लेकर आपके साथ 2 बड़ी अपडेट शेयर करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि टाटा पावर का जो महाराष्ट्र के अंदर हाइड्रो पावर प्लांट है उसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से रशिया वर्सेस यूक्रेन के क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, जो थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, उससे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, तो टाटा पावर उसमें काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देते हुए आपको देखने को मिलेगा। बात करें आज के दिन क्या बड़ी अपडेट निकल कर आई है, डेट कन्फर्म कर लीजिएगा, जिसमें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेंड्स नोटिस टू टाटा पावर फॉर मुंबई पावर आउटेज ऑन 27 फरवरी। मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर करी थी 27 फरवरी के दिन में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ समय के लिए जो पावर सप्लाई थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। टाटा पावर के प्लांट में कुछ दिक्कतों के कारण ये पावर कट हमें देखने को मिला था, और उसी को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनसे, यानी कि टाटा पावर से, उसी पावर कट को लेकर एक्सप्लेनेशन मांगा है। आप देख सकते हैं कंप्लीट न्यूज़ यहां पर आपके सामने है, तो कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये न्यूज़ टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुकिंग के रूप में देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इस न्यूज़ का किसी प्रकार से कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। वहीं टाटा पावर ने रिसेंटली 20 मिनट पहले ही एक और बड़ी ट्वीट यहां पर करी है। ऑफिशियल ट्विटर से मैं यहां पर आपको अपडेट शेयर कर रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं टाटा पावर हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन ब्रेल, अ न्यू सर्विस नेम द उजाला फॉर ब्लाइंड एंड पार्शियली साइटेड कस्टमर्स इन मुंबई। तो जितने भी टाटा पावर के कस्टमर्स है जो कि ब्लाइंड एंड पार्शियली साइटेड है, उनके लिए ये नई सर्विसेज स्टार्ट करी गई है। यदि आपने टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं, तो इस शेयर्स के अंदर भी अगर आप इसका पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न उठाकर देखेंगे, तो जो लेवल्स मैं आपके साथ में कंटिन्यूसली शेयर कर रहा हूं, उसी लेवल पर शेयर्स हमें रीबाउंड होते हुए देखने को मिल रहा है। कल के दिन भी हमें टाटा पावर के अंदर गिरावट देखने को मिली, इस शेयर्स ने भी अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन अगेन आज के दिन यहां पर हमें ये शेयर्स सपोर्ट के अगेन ही देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर आप टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, तो यहां पर आप 218 रुपए का पहला सपोर्ट और 210 रुपए का दूसरा सपोर्ट लेकर चल सकते हैं। ये सपोर्ट अगर आप पिछले 6 महीने का डाटा उठाकर देखेंगे, तो इसी सपोर्ट के पर शेयर हमें आते हुए देखने को मिलता है, और वहीं से हमें एक रिवर्ट होते हुए भी देखने को मिलता है। टाटा पावर की खास बात यह है कि इस शेयर के अंदर जो वॉल्यूम बेस काम है वो डेली बेसिस पर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। आज के दिन भी टाटा पावर के अंदर 4,11,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने 73 लाख क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर उठाई गई है। और साथ ही साथ में यहां पर आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक में भी काफी शानदार फ्रेश बाइंग आ रही है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म पर्पस से टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो टेक्निकल लेवल्स आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें, तो टाटा पावर का RSI लेवल और मनी फ्लो इंडेक्स यानी कि MFI लेवल, दोनों ही अभी हमें मिड रेंज में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 232 रुपीज़ का यहाँ पर टारगेट लेकर आप यहाँ पर पोजिशंस बना सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं IT सेक्टर के नंबर 1 शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है इंफोसिस लिमिटेड। आज के दिन आपको TCS और इंफोसिस टॉप गेनर्स में देखने को मिल रहे हैं। वहीं निफ्टी आईटी के अंदर भी आज के दिन हमें 2% तक की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इंफोसिस के अंदर इतनी शानदार तेजी के पीछे सिर्फ मार्केट की पॉजिटिव न्यूज़ ही नहीं, बल्कि इंफोसिस की एक कोलैबोरेशन की न्यूज़ भी निकल कर आई है। इंफोसिस ने आज ही के दिन एक शानदार पार्टनरशिप करी है, और उसी के चलते यहाँ पर ICICI डायरेक्ट फर्म ने इंफोसिस को लेकर 1825 रुपये तक के टारगेट सेट किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ मैंने आपके सामने ओपन कर लिए। सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ इंफॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ, जिसके साथ में इंफोसिस ने आज
कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप करी है। तो इंफोसिस ने कोलैबोरेशन किया है डूजॉन्स के साथ में। आप देख सकते हैं डूजॉन इज अ ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ न्यूज एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन डिलीवरिंग कंटेंट टू कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड अक्रॉस मल्टीपल फॉर्मेट्स। यानी कि एक बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और लगभग 130 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस इनके पास में है। तो उसी के साथ में आपको ये पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। डेट कंफर्म कर सकते हैं आप जिसमें डूजॉन्स एंड इंफोसिस अनाउंस एक्सपांड कोलैबोरेशन टू डेवलप न्यू ह्यूमन सेंटर डिजिटल एक्सपीरियंसेस। तो काफी शानदार पार्टनरशिप की न्यूज आज के दिन हमें ये आते हुए देखने को मिल रही है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप इंफोसिस के आज के वॉल्यूम बेस्ड काम को भी देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम बेस्ड काम भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। आज के दिन इंफोसिस के अंदर 1,09,84,500 क्वांटिटी ट्रेड हुई है और जिसके सामने लगभग 66 लाख यानी कि 66 लाख क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है। डिलीवरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज भी लगभग 60% अबव देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक में भी फ्रेश बाइंग आ रही है तो नो डाउट ये शेयर्स भी बहुत ही शानदार पोजिशंस में अगेन आ चुका है। यहाँ पर 1690 रुपये के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए जो ICICI डायरेक्ट फर्म की तरफ से टारगेट दिए गए हैं शॉर्ट टर्म में आप उन टारगेट को ध्यान में रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये शेयर बहुत शानदार रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकता है। डिविडेंड किंग शेयर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ट्रेडर्स के लिए भी ये शेयर्स अभी बहुत सही पोजीशंस में देखने को मिल रहा है। इंफोसिस के अंदर आज के दिन जो RSI और MFI लेवल निकल कर आ रहे हैं वो भी पूरी तरीके से मिड रेंज में है। यानी कि यहाँ पर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो 1690 रुपये के सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आप बिंदास यहाँ पर पोजीशंस बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। इंफोसिस और साथ ही साथ टाटा पावर को लेकर अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं। आप भी अगर यहाँ पर कुछ डाउट है तो नीचे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहां से आपको शेयर मार्केट की रियल टाइम बेसिस पर न्यूज प्रोवाइड करी जा रही है। इसी के साथ में यहां पर एक और IPO ओपन होने जा रहा है और उस IPO के अंदर आप अप्लाई करके काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन कमाना चाहते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट फ्री डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहां से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और मार्केट में हो रही लगातार गिरावट का बेनिफिट उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड। साथ ही साथ किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें और साथ ही साथ यहां पर अपनी खुद की रिसर्च भी कर लें क्योंकि कैपिटल आपकी है तो आपको भी हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।